थोड़ा सा जोर दे, थोड़ा सा जोर दे। देख अभी नन्ना मुन्ना राजा आ जाएगा बाहर। अरे बेटी देख देख देख, मुन्ना आ रहा है, बाहर आ रहा है। थोड़ा सा जोर लगा बेटी, बस थोड़ा सा। अरे बस बस बेटी, ये देख मुन्ना बाहर आ गया है। सूरज और माला एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में काफी दिन हो गए थे। फिर माला और सूरज दोनों तय करते हैं इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहिए। फिर मंदिर में जाकर सूरज और माला शादी कर लेते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग अब खुश रहिए। सूरज एक प्राइवेट ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। एक शाम माला घर पर तैयार होकर बैठी हुई थी, क्योंकि सूरज ने वादा किया था आज शाम उसे बाहर लेके जाएंगे डिनर के लिए। तभी सूरज पहुंचता है। अरे सूरज आगे आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं माला, फिर देर हो जाएगी, हमें बाहर भी तो जाना है डिनर के लिए, चलो चलो। अरे थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ। अरे नहीं बाबा नहीं, मेरी बीबी कब से इंतजार कर रही है मेरा, और मैं उसे नाराज कैसे कर सकता हूँ। चलो चलो पहले डिनर करके आते हैं, फिर फ्रेश हो जाएंगे। तुम ना सूरज पूरा पागल हो एकदम। सूरज माला से खूब प्यार करता था, दोनों में काफी अच्छी बनती थी। फिर दोनों डिनर के लिए निकल पड़ते हैं घर से। फिर सूरज और माला दोनों रेस्टोरेंट आते हैं और खूब सारा अपने मनपसंद खाना ऑर्डर करके एंजॉय करते हैं इस पल को। एक साल बाद माला प्रेग्नेंट थी, वो सुबह सुबह हॉल में बैठी थी। तभी सूरज आता है ऑफिस जाने के लिए। अरे सूरज तुम तैयार हो गए, जा रहे ऑफिस? हाँ हाँ माला, तुम बैठे रहो, उठो मत, मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी अब लगता नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, मुझे यहाँ घर पर ही रुकना चाहिए तुम्हारी केयर के लिए। अरे सूरज अभी लेट है, तुम इतना घबराओ मत और चिंता मत करो इतना। अच्छा सूरज, इस बार हम लोग 1 जनवरी कहाँ मनाएंगे नया साल, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? अरे हाँ माला, तुम सही याद दिलाई, माँ का फोन आया था तो मैं सोच रहा था इस बार घर चला जाता हूँ गाँव, कैसा रहेगा, माँ को भी देख के आ जाऊंगा और तुम भी गाँव घूम लोगी थोड़ा सा। हाँ हाँ अच्छी बात है, हम लोग चलेंगे ना गाँव, वहाँ और अच्छा लगेगा, हर बार इधर उधर घूमने जाते हैं उससे अच्छा तो गाँव जाएंगे, शांति हरियाली कितनी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, फाइनल रहा गाँव ही चलेंगे, मैं बॉस से बात कर लूँगा छुट्टी के लिए। चलो ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सूरज ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अरे बॉस से भी बात हो गया, 25 से पहले ही निकल जाता हूँ, 25 से 1 तक घर पर ही रुकूंगा, फिर आऊंगा, कुछ दिन माँ के साथ भी रुक जाऊंगा, इस बार नया साल गाँव में ही मनाऊंगा। माला और सूरज इस बार वैकेशन के लिए अपने गाँव जा रहे थे। वो दोनों स्टेशन पर आकर पहुंच जाते हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। अरे सूरज कब ट्रेन आएगी? अरे माला इतनी हड़बड़ी मत करो, जब उसका समय होगा तभी तो आएगी, अभी समय नहीं हुआ है। फिर कुछ समय बाद उनकी ट्रेन आती है, माला और सूरज दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। माला और सूरज दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन खुल जाती है। माला और सूरज के सामने एक बुजुर्ग महिला और उसके पति दोनों बैठे हुए थे। अरे बेटी कहाँ जा रही हो? हम लोग गाँव जा रहे हैं चाची। अरे सभी कोई तो बाहर बाहर घूमने जाता है, इंजॉय करता है, और तुम लोग गाँव जा रहे हो? हाँ हाँ चाची, वो मेरी माँ रहती है ना गाँव में, माँ से मिलने जा रहा हूँ, और ऐसे छुट्टी नहीं मिलता है, तो ये छुट्टी मिला तो सोचा माँ के साथ ही थोड़ा सा समय व्यतीत कर लूँगा। ओह अच्छा अच्छा, अरे बेटी तो प्रेग्नेंट है, कितने महीने का है बेटा? अभी 8वां महीना चल रहा है चाची। अच्छा, अपना ध्यान रखना, इस समय काफी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ चाची, सूरज मेरा खूब ध्यान रखते हैं। चलो अच्छा है, ऐसे जोड़ी बनी रहे, तुम लोग खुश रहो। ऐसे ही सभी कोई ट्रेन के सफर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ट्रेन अपने गति से जा रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक से माला के पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है। सूरज लग रहा पेट में काफी दर्द हो रहा धीरे धीरे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, और हल्का फुल्का दर्द होते रहता है, आराम से बैठ जाओ, देखो अभी ठीक हो जाएगा। कुछ समय माला ऐसे इंतजार करती है, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सूरज मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा सूरज,
मुझे सहन नहीं हो रही सूरज, कुछ करो सूरज। अरे क्या हो गया, अचानक से इतने जोर से दर्द क्यों होने लगा? नहीं पता सूरज, काफी दर्द हो रही है। कहीं तुमने घर में उल्टा फुल्टा कुछ खा तो नहीं थी? पेट में गैस तो नहीं बन गया ना तुम्हारा? अरे नहीं सूरज, ये गैस वाला दर्द नहीं है सूरज, मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है, कुछ करो सूरज। अरे अब मैं क्या करूं, ट्रेन में हूँ, हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता हूँ। माला को पेट में काफी दर्द होने लगा था, ये देखकर सामने वाली महिला तुरंत माला से पूछती है, अरे बेटी क्या हो गया, कुछ दिक्कत है? हाँ वो चाची, पेट में काफी दर्द होने लगा है। अरे ये क्या हो गया, ट्रेन में अभी कोई बंदोबस्त भी नहीं होगा डॉक्टर का, कहीं तुम्हारा लेवर पेन तो नहीं उठ गया? अरे भाग्यवान, अब क्या करना पड़ेगा तब? अरे ऐसी स्थिति आ गई तो डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी तब। अरे लेकिन यहाँ डिलीवरी कैसे हो सकती है, मैं कुछ मदद देखता हूँ इधर उधर। माला तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ कुछ मदद लेकर। फिर सूरज मदद लेने के लिए वहाँ से उठकर जाता है और इधर माला को काफी दर्द हो रही थी। आ, 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 मुझे सहन नहीं हो रही, काफी दर्द हो रही है। अरे बेटी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी तुम्हारा पति मदद लेके आता ही होगा, बस थोड़ा सा। सूरज गया था मदद लेने के, लेकिन माला को इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी, उसे सहन नहीं हो रही थी। चाची कुछ कीजिए ना, मुझे और सहन नहीं हो रही। ए जी लगता है इसकी डिलीवरी यहीं करवानी पड़ेगी, अब क्या करें? अरे भाग्यवान देखो ना, तुम क्या कर सकती हो, उसकी मदद करो, बेचारी को काफी तकलीफ हो रही है। हाँ, हाँ, मैं देखती हूँ, एक काम कीजिए, एक कपड़ा टांग दीजिए और अब बाहर जाइए, मैं देखती हूँ इसे क्या कर सकती हूँ मैं। वो अंकल एक कपड़ा को टांग देते हैं ताकि माला कवर हो जाए और वो बाहर इंतजार करते हैं। अंदर माला को काफी तकलीफ हो रही थी, काफी दर्द हो रहा था और वो चाची माला की डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रही थी। अरे बेटी थोड़ा सा जोर दे, थोड़ा सा जोर दे, देख अभी नन्ना मुन्ना राजा आ जाएगा बाहर। आ, 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 चाची और नहीं हो पा रहा चाची, काफी तकलीफ हो रही है काची, चाची, चाची। तभी सूरज आता है जो मदद मांगने के लिए गया हुआ था। अरे अंकल ये कपड़ा क्यों टांग दिया आप? अरे बेटा वो तुम्हारी चाची तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी करवाने की सोच रही है, वही कोशिश कर रही है, उसको काफी तकलीफ हो रही थी, लेबर पेन हो रहा था। क्या ऐसे डिलीवरी हो सकती है यहाँ? अरे बेटा होने को तो कुछ भी हो सकता है, पहले के जमाने में कहाँ हॉस्पिटल और ये सब था, तब तो नॉर्मली डिलीवरी होती थी, अब देखो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सूरज भी बाहर इंतजार करने लगता है और अंदर, अरे बेटी थोड़ा सा जोर लगा, बेटी जोर लगा, देख अभी हो जाएगा बेटी थोड़ा सा। अरे चाची और नहीं हो पा रहा, काफी तकलीफ हो रही है चाची और नहीं हो पा रहा मुझसे। अरे बेटी देख 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 मुन्ना आ रहा है बाहर आ रहा है, थोड़ा सा जोर लगा बेटी, बस थोड़ा सा। अरे बस बस बेटी, ये देख मुन्ना बाहर आ गया है, लड़का हुआ है। ए जी सुनिए उसे लेके आइए, देखिए लड़का हुआ है उसे। अरे बेटा मुबारक हो, तुम्हें लड़का हुआ है, जाओ 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 देखो उसका चेहरा। फिर सूरज जल्दी से माला के पास पहुंचता है, माला के गोदी में उसका बेटा था, ये देखकर सूरज काफी खुश होता है। माला हमारा बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेन में ऐसे तो हमारा बेटा जन्म लेगा। थैंक यू चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज अगर आप नहीं होते तो नहीं पता क्या हो जाता। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ऊपर वाले की यही इच्छा थी कि तेरा बेटा ट्रेन में ही जन्म ले, देखो कितना अच्छा प्यारा सा मुन्ना हुआ है। अरे रे रे मेरा बेटा। सूरज और माला इस बच्चे के आने से काफी खुश होते हैं। कुछ समय बाद सूरज और माला का स्टेशन आ जाता है, सूरज और माला उन दोनों को धन्यवाद कहते हुए यहाँ से उतर जाते हैं ट्रेन से। सूरज और माला इस बच्चे को पाकर काफी खुश होते हैं। वो दोनों स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं घर की ओर। सूरज की माँ घर में बैठकर सूरज की राह देख रही होती है, तभी सूरज और उसकी पत्नी माला अपने बच्चे के साथ वहाँ पहुँचते हैं। माँ माँ। अरे बेटा आ गया सूरज मेरा बेटा, बहू अरे ये नन्ना सा किसे लेके आ गए तुम लोग? अरे माँ जी
ये हमारा बेटा है। अरे ये कब हुआ, मुझे तो बताया नहीं। अरे माँ अभी ट्रेन में हुआ है, वो मैं आपको बाद में कहानी सुनाऊंगा। क्या मेरा लल्ला ट्रेन में हो गया? उसे अपनी दादी से मिलना जो था इसीलिए तो हो गया। ला लो मुझे, लाओ मेरे पास, लाओ मेरे लल्ले को, मेरा लल्ला, मेरा बेटा। सूरज की माँ अपने पोते को पाकर काफी खुश हो जाती है। सूरज और उसकी पत्नी माला दोनों ये देखकर काफी खुश होते हैं। सूरज अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ यहीं रुकता है वैकेशन भर कुछ दिनों के लिए। इस बच्चे के आने से इस घर में खुशियां लेकर आता है, सभी कोई काफी खुश होते हैं और अपना नया साल सबके साथ मिलकर बिताते हैं। अरे बहू, जी 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 जी, तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं। जी 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 जी, अरे तुम्हें भी आ गए। अरे तुम तीनों को पीरियड्स आ गए हैं। जी 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 जी, चारों तरफ खून दिखाते फिर रही हो, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? हाँ, मैं क्या करूँ इन सब को लेकर, मैं तो पागल हो जाऊंगी। आशा देवी के तीन बेटे थे, आशा देवी अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाते हैं। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब जाइए बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अब अपना खुशी खुशी गृहस्थी बिताइए। आशा देवी अपने तीनों बेटों की शादी देकर काफी खुश थी क्योंकि उसके घर तीन बहुएं आने वाली थी। क्योंकि आशा देवी को पता था अब तो वो आराम करेगी, बहुएं तो उसकी सेवा करेगी और सभी बहुएं से वो अपनी सेवा लेगी। शादी की दूसरी रोज आशा देवी हॉल में बैठी हुई थी। अरे मेरी तीन तीन बहुएं हैं, तीन बेटों की शादी दी, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछी। रुको मैं अभी दिखाती हूँ। बहू बहू कहाँ हो? सास की आवाज सुन तीनों बहुएं जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। जी माँ जी कहिए। हाँ माँ जी क्या हुआ कहिए। अरे तुम लोगों को अपनी सास की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, मेरी तीन तीन बहुएं हैं लेकिन सुबह से अभी तक किसी ने चाय तक नहीं पूछी, नाश्ता तो दूर की बात। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी से मेरे लिए बढ़िया से चाय बना के लेके आओ। फिर तीनों बहुएं वहाँ से जाने लगती है, तभी आशा देवी फिर कहती है, अरे अब क्या तुम लोग तीनों जाके चाय बनाओगी? एक कोई जाओ चाय बनाने के लिए, बाकी दोनों मेरे यहाँ पे रुको, मेरी पैरों में काफी दर्द हो रही है, जरा पैरों को दबा दो और मेरी दूसरी बहू मेरी हाथों को दबा दो, थोड़ा सा सेवा तो लो, शादी कराई हूँ अपने बेटे की, सास की सेवा नहीं करोगी? जी माँ जी। लता तुम जाओ चाय बना के लेके आओ, हम लोग दोनों यहाँ माँ जी के पास रुकते हैं। फिर लता चाय बनाने के लिए चली जाती है और बाकी दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा में लग जाती है। अरे हाँ हाँ अच्छे से दबाओ, थोड़ा जोर से, तब ना मजा आएगा। हाँ ये हुई ना बात। आशा देवी अपनी बहुओं से खूब सेवा लेती है। दूसरी रोज तीनों बहुएं किचन में थी, लता की पेट में काफी दुख रही थी, लता को पीरियड्स आया हुआ था। आह मेरा पेट काफी दुख रहा है। अरे लता तुम्हें पीरियड्स आए, तुम जाओ कमरे में रेस्ट करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ हाँ लता तुम आराम करो, अभी हम लोग है ना। तीनों बहुएं किचन में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर आशा देवी आ जाती है, तीनों बहुओं को एक साथ बात करते देख कहती है, अरे बहू तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, एक साथ तीनों गुटरगु कर रही हो, अभी तक खाना होना कुछ नहीं चढ़ाई हो, क्या बात है? आज खाना होना बनाने का कोई इरादा नहीं है क्या, या फिर भूखे रखोगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, हम लोग खाना बनाने वाले थे, ये लता का पेट दुख रहा था ना इसीलिए थोड़ी सी। अरे क्या हो गया उसे जो उसका पेट दुखने लगा, या फिर काम नहीं करने का बहाना है ये? अरे नहीं नहीं माँ जी, उसे पीरियड्स आए इसीलिए उसका पेट दुख रहा है। आशा देवी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की थी, वो ये बात सुनकर कि बहू को पीरियड्स आए वो गुस्सा जाती है। क्या उसे पीरियड्स आए और वो किचन में आई हुई है? अरे लता बहू तू किचन में क्या कर रही है, तुझे पीरियड्स आए हैं तो जाकर एक कमरे में बंद रह, इधर उधर घूम के तू सारा किचन का बर्तन वगैरह छू के अशुद्ध कर दे मेरे घर को, तू अभी तुरंत जा और जाके उस कमरे में बंद रह, जब तक तुझे पीरियड्स आएंगे 5 दिनों तक उस कमरे से बाहर तक नहीं निकलना। लेकिन माँ जी इसे तो सिर्फ पीरियड्स ही आए,
तो क्या हो गया? सिर्फ पीरियड्स आए, हमारे यहाँ का रिवाज है जिसे पीरियड्स आते हैं वो घर से बाहर कहने निकलती है और ना तो कहीं जाती है और किचन में तो एकदम नहीं आती है। और तुम लोग एकदम कान खोल के सुन लो, किसी को भी पीरियड्स आएंगे वो उस कमरे में जाकर चुपचाप रहेगी, किचन में या कहीं बाहर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 दिनों तक उस कमरे में ही बंद रहना है, अगर बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लता बहू, अभी तक तू बात कान में नहीं घुसी, जा अभी चली जा। सास की बात सुन लता बहू वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और तुम लोग दोनों जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आओ और लता बहू को उसी कमरे में खाना पहुँचा देना, उसे बाहर निकलने मत देना। आशा देवी ये सब बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें सुनकर इन दोनों बहुओं को काफी आश्चर्य होता है कि अभी तक उनकी सास पुराने ख्यालात की बातें मानती है। लता अब इस कमरे में ही बंद रहती है। खाने के वक्त दूसरे बहुएं आकर लता को खाना देकर जाती है। लता को इस रूम से निकलने का परमिशन नहीं था 5 दिनों तक। लता अब 5 दिनों तक इसी कमरे में काटती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज आशा देवी सोफे में बैठी हुई थी, तभी अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे आज एक भी बहू नजर नहीं आ रही, क्या हो गया? सबको सांप सूंघ गया क्या? बहू बहू कहाँ हो? आशा देवी के आवाज लगाने के बावजूद कोई बहू उसके पास नहीं आती है। अरे क्या हो गया? मैंने आवाज लगाई तब भी कोई सुनाए नहीं, लगता है जाके देखना पड़ेगा, कहीं पक्का तीनों बैठकर गप्पे लड़ा रही होगी, आज मैं देखती हूँ इन्हें। फिर आशा देवी उठती है बहुओं को ढूंढने के लिए, आखिर गई कहाँ? आशा देवी किचन आती है, किचन आकर देखती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यहाँ भी कोई नहीं है, ये लोग कहाँ गई? फिर आशा देवी उस कमरे में आती है जहाँ पर पीरियड्स आने पर बहुओं को रुकने के लिए कहा गया था। वहाँ आकर देखती है कि तीनों बहुएं यहाँ पर है। अरे तुम लोग तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो कहा था जब पीरियड्स आएंगे तब इस कमरे में आना, ऐसे नहीं गप्पे लड़ाने का ये कोई कमरा नहीं, घर का काम कौन करेगा? अगर तुम लोग ऐसे गप्पे लड़ाओगी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा? चलो जल्दी से जाओ, अब काम पे लग जाओ, गप्पे बहुत हुई। अरे लेकिन माँ जी आपने तो कहा था कि पीरियड्स आने पे हम इस कमरे से बाहर ना निकले और किसी भी काम को ना करे और ना ही किचन में जाए, तो कैसे जाऊँ हम? अरे तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं तो ठीक है, तुम रुक जाओ, बाकी दोनों यहाँ क्या कर रही है? माँ जी हम तीनों को ही पीरियड्स आए, इसीलिए तो हम लोग इस कमरे में हैं। क्या तुम तीनों को एक साथ पीरियड्स आ गए? हाँ माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है, अगर आप कहो तो हम लोग जाके काम कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर लूंगी सारा काम। माँ जी आप कैसे करेंगे इतना सारा काम? हम लोग मदद कर देते हैं, वो पुराने ख्यालात थे, उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे चलो चुप रहो तुम लोग, तुम लोग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग इसी कमरे में रहना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। इतना कहते हुए सास आशा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर तीनों बहुएं इसी कमरे में रुकती है। तीनों बहुओं को पीरियड्स आने की वजह से आशा देवी को अब घर का सारा काम करना पड़ रहा था, किचन में जाकर खाना बनाना, उन तीनों बहुओं के लिए खाना भी देना। वो उस कमरे में जाती, तीनों बहुओं के लिए खाना भी देती और घर का सारा काम करती। एक रोज आशा देवी सीढ़ी पर से उतर रही थी, तभी उसका तबीयत काफी खराब कर रहा था, वो सीढ़ी से उतरते उतरते चक्कर खाकर गिर जाती है और सीढ़ी से नीचे आकर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। आशा देवी काफी देर तक वहीं बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं था। घर में 3 बहुएं थी लेकिन आशा देवी के नियम अनुसार वो लोग उस कमरे से बाहर तक नहीं आ सकती थी, जिस कारण आशा देवी की आज ये स्थिति थी। वो काफी देर तक वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी, तभी बाहर से सूरज आता है घर। अपनी माँ को ऐसी हालत में गिरे देख जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ
माँ उठो माँ, माँ। अरे काजल, काजल, भाभी, भाभी। सूरज काफी आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाते हैं। फिर सूरज अपनी माँ को उठाकर कमरे की ओर लेके जाता है। तीनों बहुएं इस कमरे में थी, तभी सूरज गुस्साते हुए उस कमरे में आता है। अरे काजल, भाभी, मैंने कितने आवाज दी, आप लोगों ने सुना ही नहीं। आप लोग इस कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ की कितनी तबीयत खराब है, माँ बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, लेकिन आप लोगों को तो बस गप्पे लड़ाना है। आप लोग इस कमरे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, माँ वहाँ बेहोश पड़ी हुई है, आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म लाज है कि नहीं? सूरज, ऐसी बात नहीं है, हम लोग माँ के कहने पर ही इस कमरे में है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने माँ से कितनी बार कहा लेकिन माँ ने ही नहीं सुनी, वो जबरदस्ती हमें इस कमरे में बंद करके रखी है। क्या माँ ने आप लोगों को इस कमरे में बंद रखने के लिए कहा है? ऐसी क्या बात है जो माँ आप लोगों को यहाँ रहने बोलेगी और माँ सारा काम कर रही है घर का? हाँ सूरज, ऐसी ही बात है। फिर काजल सूरज को सारी बातें बताती है जो कुछ भी इस घर में हुआ कुछ दिनों में। सूरज ये सब बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। क्या माँ आज भी ये सब बातें मानती है? इतनी पुराना ख्यालात की है, इसीलिए तो आज ऐसी दुर्दशा हुई है। चलो आप लोग चलो, जल्दी से चलो वहाँ माँ के पास, माँ को जरूरत है आप लोगों की। लेकिन सूरज हम गए तो माँ फिर? माँ कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ ना, मैं माँ को समझाऊंगा। फिर सूरज तीनों बहुओं को यहाँ से लेके जाता है। कुछ देर बाद आशा देवी को धीरे धीरे होश आता है। वो जैसे आंख खोलती है सामने उसकी तीनों बहुएं खड़ी थी। ये देखकर आशा देवी तुरंत कह उठती है, अरे तुम लोग तीनों फिर आ गई यहाँ पर। अरे बेटा सूरज, इन तीनों को यहाँ से जल्दी भेज बेटा। अरे माँ, तुम आज भी उन पुराने ख्यालतों को मानती हो, आज भी वो सब दिन देखती हो। आज अगर ये तीनों रहती तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। उन सब चीजों को छोड़ो और बाहर आओ, आज की दुनिया में जीना सीखो। आज देखो लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई और तुम आज भी उन पुराने दिनों की बात मानती हो। छी माँ, उन सब चीजों को छोड़ो अब। लेकिन बेटा इससे बीमारियां फैलती है, इसे हमें दूर रहना चाहिए। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बीमारियां नहीं फैलती अब। पहले के दिनों में कपड़े यूज करते थे जिस आज जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, अब ये चीज कुछ नहीं होता है माँ, अब तुम भी समझा करो। सूरज के समझाने पर उसकी माँ आशा देवी समझ जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया और आज उसका फल मैं ही भोग रही हूँ। तुम लोगों को कष्ट दी इसीलिए देख आज मुझे भी कष्ट ही मिले। ऊपर वाला जो भी करता है सब सोच समझ के ही करता है, आज मैं इस दशा में नहीं होती तो कभी नहीं समझ पाती। आशा देवी तो समझ चुकी है, क्या आप लोग भी समझ गए?